हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम उपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 60 डेज की क्लास चलेगी हमारी यहाँ पर। सारे चैप्टर्स हम करेंगे, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे और आपके हर एक लेक्चर में 6 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल गई है, सभी लोग चेक कर लें एक बार। और देखिए, रिवीजन हमने पहले ही करा दिया आप सभी लोगों को। जितने सारे चैप्टर्स हैं आपके जो टर्म 2 में आने वाले हैं, उनका रिवीजन आप लोगों का के लिए कंप्लीट करवा दिया है। एक बार जरूर जाकर चेक करें। और अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो हम लोगों ने कोर्स काफी टाइम पहले ही कंप्लीट कर लिया है। हर एक चैप्टर के 4 से 5 लेक्चर्स ले रखा है, प्लेलिस्ट से जाकर जरूर चेक कर ले सभी लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि डेली आपके सामने इवनिंग 6 PM पर ये क्लास आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इट मींस पहला क्वेश्चन भी कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये क्वेश्चंस हाई डिमांडेड क्वेश्चंस हैं। प्लीज दोस्तों, इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लेना और अपने दिमाग में भी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं आज के हमारे पास। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखना यहां पर क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑलराइट, देखिए तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के माइनस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्जाम आपके अब आने वाले हैं तो प्रैक्टिस चल रही है आपकी। तो यहां पर देखिए बिल्कुल नए नए फ्रेश क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ध्यान देना आप सभी लोग। सो प्रैक्टिस क्लास भी कह सकते हैं आप इसको, एक प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की। यहां पर देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, उसके रूट्स इक्वल है, वो रियल है और इक्वल रूट्स है। सो उस केस में क्या होता है, इफ रूट्स आर इक्वल रियल, ठीक है, रूट्स इक्वल हो और रियल हो, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है वो जीरो कहलाया जाता है। एंड हाउ टू फाइंड डी, तो डी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी और ए और सी कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तब तो सही है, अगर नहीं दे रखी है तो उसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सो मतलब ध्यान से देखना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को पॉइंट कर सकता है एग्जामिनर, ध्यान देना आप लोग। सैंपल पेपर का कोई यहां पर जो आपके बेसिक या फिर स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सो यहां पर देखेंगे, अभी देखिए यहां पर आपको एक्स का कोएफिशिएंट, ऑलराइट, ध्यान से, ये अरेंज्ड नहीं है, ये अरेंज्ड नहीं है। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट देखिए यहां पर कैसा लिखा है, ये के है, के के बाद कुछ इस तरीके से आपको ब्रैकेट में कुछ यहां पर एक्सप्रेशन दे रखा है। पहले आप इसको क्या करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि यहां पर देखिए कॉन्स्टेंट टर्म, ये अलग से थोड़ा, यहां भी तो कॉन्स्टेंट टर्म है, के और 1 ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इसका मतलब आप पहले इसको क्या करें, थोड़ा सा अंदर ले जाके इनको सिंप्लीफाई कर लें। तो देखिए क्या करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 4 के एक्स देन प्लस का के का स्क्वायर, यहां से देखिए माइनस का के, ऑल राइट, उसके बाद देखना प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स आपके पास अलग हो गए और एक्स का कोफिशियंट जो है, जो एक्स के जो टर्म्स हैं वो अलग हो गए और एक्स स्क्वायर बिल्कुल अलग हो गया। समझ में आया सभी लोगों को यहां तक। चलिए इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर अब मुझे बताइए इसमें कि ए बी सी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप लोग। एक्स के कोफिशियंट क्या होता है, सबसे पहली चीज, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होता है हमारा, ये हमारा 1 है, देखिए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहां पर हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू 1 है। व्हाट इज बी, आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है, हैव यू सीन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म,
ठीक है, तो मतलब आपने देखी है क्योंकि हमें पता है इसका कोफिशियंट x का कोफिशियंट b, सो यहां पर x का कोफिशियंट कौन है 4k, इसका मतलब b कितना है यहां पर 4k। एंड c, अब देखिए x का कोफिशियंट मिल गया, x स्क्वायर का कोफिशियंट मिल गया, अब जो बच गया वो क्या हो गया कांस्टेंट टर्म, सो बचा जो हिस्सा पूरा ये है, तो c आपका क्या हो गया यहां से पूरा का पूरा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। क्लियर है यहां तक सबको? अब देखिए जब भी b, ये d is equal to b square minus 4ac है, अब d की वैल्यू यहां पर आप क्या रखेंगे 0, क्योंकि कि रूट्स कैसे हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल हैं, रियल के साथ इक्वल हैं। चलिए तो देखिए फटाफट रखिए यहां पर, देखिए आपको पता है b square minus 4ac is equal to 0 होता है, so therefore b square minus 4ac is equal to 0, b कितना है ये, तो अब यहां पर अप्लाई कीजिए 4k का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है देखिए 1, एंड c पूरा k का स्क्वायर माइनस का k प्लस 2, अब इक्वल टू में आप लोग 0 रखना क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac चल रहा है। क्लियर है? ये कितना हो गया 16k स्क्वायर, यहां देखिए सभी लोग देखना 4 अंदर तो 4 ही होता है, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 4k स्क्वायर, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, सो 4k माइनस प्लस माइनस, सो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहां तक सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे सभी लोग कि यहां पर एक समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये क्लास आपकी अब प्रीमियर होने वाली है आपको पता है, तो आजकल जितनी क्लास हमारी प्रीमियर हो रही है जिससे कि आप लोग मुझे बता सके कि कैसी लग रही है आपको एक क्लास, ठीक है। चलिए तो जल्दी अगर हमारे 1K हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी हम लेंगे, अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट रहेगा तो। चलिए फ्रेंड्स, तो ये 16K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर प्लस 4K माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब जरा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले ध्यान से, देखिए ये हो गया आपका 16K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर कितना 12K स्क्वायर, 12K स्क्वायर, अब देखिए ये हो गया प्लस का 4K माइनस का 4, इसमें निकालना क्या था आपको, क्या निकालना है k की वैल्यू तो फाइंड करनी है, सो फाइंड करिए k की वैल्यू, जल्दी से देखिए इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर लें, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, क्लियर है, यहां पर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई, 4 2 जा देखिए माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, ये मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ठीक है 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 on the 4, 4 2 जा कितना 8 हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, देखना यहां पर माइनस प्लस माइनस हुआ, सो 4 2 जा 8, क्लियर है। चलिए अब देखिए आपको मिड टर्म स्प्लिट मेथड आता है इसका, अगर फैक्टराइजेशन करें तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है, इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें विद देयर साइंस, सो 3 और माइनस 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ना माइनस 6, अब 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालने हमें कि माइनस करने पर k का कोफिशिएंट आ जाए जो कि 1 है, सो 6 के दो फैक्टर कौन है 3 और 2, को किसने डिसाइड किया कि माइनस करने पर ही आना चाहिए, इस माइनस ने डिसाइड किया। चलिए तो आप इसकी जगह पे रखिए 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया आपको पता लग गया होगा, आप तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, यहां पर मैं 3 माइनस 2 रखूंगा फिर k अंदर जाएगा तो 3k माइनस 2k, सो यहां से देखिए 3k दोनों में दिख रहा है और k प्लस 1, ठीक है माइनस 2 और ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है सबको यहां तक। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखिए इतने आसानी से हो गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी भी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए सो यहां पर से देखिए आप लोग k प्लस 1 एक कॉमन, ये टर्म ये आ गया एक कॉमन फैक्टर और दूसरा कॉमन फैक्टर ये आ गया, अब अगर रूट्स निकालने हैं तो इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेना, सो k की वैल्यू माइनस 1 एंड k की वैल्यू 2 अपॉन 3, क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हाईली डिमांडेड, मतलब मार्केट में कह सकते हैं आप बहुत डिमांड है इसकी, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए मतलब बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो काफी वैल्यू है इसकी, मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, ध्यान देना इसका। चलिए
अब देखिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर। चलिए सब कुछ क्लियर होगा आपका, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, देखिए जैसे अभी हम जैसे आपको फास्ट पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे आपको उतना फास्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम तो आपके पास काफी है, तो आराम से करना आप लोग। माइनस प्लस माइनस यहाँ पर गलती हो गई थी, इसको इम्प्रूव कर लें आप, ठीक है, करेक्ट कर लें। चलिए अब सही हो गया हमारा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर आते हैं, तो देखिए थोड़ा सा आपको स्लो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, कैसे बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, ओ यहां पर इंक फैल गई इसमें, चलिए द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी थ्री टाइम्स फर्स्ट, मतलब किसी एपी का फोर्थ टर्म जो भी है, किसी एपी का फोर्थ टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के थ्री टाइम्स है। फर्स्ट टर्म मतलब ए, तो थ्री टाइम्स है फर्स्ट टर्म के, या तो ए वन लिख लीजिए या फिर सीधे ए लिख लीजिए। इसके बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर ए वन करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन टू डी, यहाँ पर एन की वैल्यू अगर वन रखते हैं तो वन माइनस वन जीरो, तो डी जीरो जा जीरो, सो यहाँ पर ए आ जाएगा, मतलब ए वन क्या हुआ, ए ही तो हुआ, तो यहाँ पर आप ए लिख लीजिए। सबको क्लियर है सब कुछ, ठीक है, बहुत आसानी से कर लिया हमने, देखिए। एंड चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए फोर का मतलब वही ए प्लस थ्री डी, और ये थ्री ए, इसको यहां लाइए तो ये टू ए इज इक्वल टू थ्री डी हो गया, क्लियर है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसने बोल रखा, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड, सेवंथ टर्म एक्सीड, ऑल राइट, क्या मतलब है ध्यान सुनना, सेवंथ टर्म एक्सीड, देखिए सातवां टर्म बढ़ रहा है, सातवां टर्म बढ़ रहा है, एक्सीड हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से ना, कंपेयर कर रहे हैं, सातवें टर्म को किसी टर्म से कंपेयर कर रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सेवंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म, ठीक है, बाय वन, इसका मतलब क्या होता है कि थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज्यादा, ठीक है, थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज्यादा कौन है, सेवंथ टर्म है, क्लियर है। इतना मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, इसका मतलब क्या होता है कि सेवंथ टर्म कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, मतलब अब बढ़ किससे रहा है, थर्ड टर्म के ट्वाइस से भी एक ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब थर्ड टर्म के ट्वाइस से, ये इस तरह लिख सकते हैं, थर्ड टर्म के ट्वाइस से, थर्ड टर्म के ट्वाइस से भी एक ज्यादा बढ़ रहा है, कौन, सेवंथ टर्म, बस यही बोला है, यही लिखना है, ऑलराइट, यही लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। अब देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस सिक्स डी, अब ये मत पूछना फ्रेंड्स यहां पर ए प्लस सिक्स डी कैसे हुआ, ए प्लस एन माइनस वन टू डी लगाना, एन की वैल्यू सेवन है, चलिए ऐसे सब में अप्लाई करना, ये टू और ये ए प्लस टू डी, और बाहर से क्या है वन है, इसमें निकालना है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए देखिए कैसे होगा, बिल्कुल सेम मेथड जैसा आज तक करते आए हैं, अभी तक हम लोग एपी की क्लास देखना, आप लोग दो मार्क्स वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। टू ए प्लस टू टू जा फोर डी, अब प्लस का वन, ये तो वन बाहर से है ना, चलिए थोड़ा सा सॉल्व करें इसको, देखिए ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, क्लियर है, इसको यहां भेज दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए, कहीं किसी को भी कहीं भेज दीजिए, बस इक्वेशन जैसी बना लीजिए आप लोग इसको। चलिए ये यहां पे, क्योंकि माइनस वन, मैं माइनस वन नहीं लाना चाहता हूं, तो मैं इसको यहां ले आता हूं, सिक्स डी है, फोर डी को यहां ले आता हूं, तो सिक्स डी माइनस फोर डी, ये देखिए ये यहां गया तो कितना आ गया टू डी, ये वहां जाएगा तो टू ए माइनस ए, ए साथ में प्लस का वन। अब इतना आपको समझ में आया, मतलब ए प्लस वन इक्वल टू टू डी हो गया। एक ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर सभी लोग यहां पर एक काम करें, ये d दिख रहा है d, देखिए यहां पर इसको भी रफ करते हैं, अब थोड़ा सा इधर की साइड देखना आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा इधर की साइड देखना, यहां पर देखिए, चलिए यहां पर इसको मान, ये हमारी इक्वेशन है, इसको एक काम करते हैं, ये इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको टू, तो इस जो यहां पर देखिए ये जो टू ए है इसको मैं एक बार और लिखता हूं, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को एक बार और, इक्वेशन वन रिटर्न एस, ये जरूरी नहीं है लिखना आपको, यहीं पर ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब यहीं पर ही आप ए के अकॉर्डिंग, मतलब ए इक्वल टू करके निकाल सकते हैं आंसर इसका, कि ए इक्वल टू कितना होगा, तो इक्वेशन वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि ए इज इक्वल टू थ्री डी अपॉन टू।
अब क्या करूंगा ना, इसको यहां पुट कर देता हूं, पुट यहां लिखा पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लो। देखिए सो कितना है, देखिए 2d ऐसी रहेगा, a की जगह पे 3d अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए ये यहां जाएगा तो 2d माइनस 3d अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देखिए इसको आप सॉल्व करना तो बहुत इजी है, ये 2 ये आ गया 4d एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया 3d इज इक्वल टू 1। ठीक है 2 1 जा 2 4 माइनस 3 1 तो d इज इक्वल टू 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, इसको यहां लिख दीजिए 2 2 जा 4 एंड a कितना आ गया यहां से 3 आ गया, सो 2 इंटू 2 इक्वल टू a प्लस 1, सो a इक्वल टू 2 टू जा 4 4 माइनस 1 3। अब डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग a प्लस 1 इक्वल टू 4 और यहां से a इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को भी कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और साथ साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है टर्म टू के लिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, एक फ्रेश क्वेश्चन कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ठीक है आज सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, किसी एपी का 10th टर्म निकालिए, किसी एपी का 4th टर्म निकालिए, 8th टर्म निकालिए, अभी तो हमारे पास देखिए 3rd ही हमारा लेक्चर है, पार्ट 3 चल रहा है हमारा मिक्स्ड क्वेश्चन का, मतलब काफी क्वेश्चन है हमारे पास, ये ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं हमारी क्लास तो कंटिन्यू चलते रहेगी, अभी तो एक कंटिन्यू चल रही है, आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लें, मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि नोट्स आप लोग जरूर बना लें। ठीक है मतलब क्वेश्चंस लिख लें ये वाले, ठीक है फिर आपकी मर्जी है इसको पेपर में लिखते हैं या अपने दिमाग में लिखते हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएगा बताइए। अब देखिए चलिए कोई बात नहीं, सीरीज वाइज नहीं तो हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, लेकिन हमें हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो लेना ही लेना है। चलिए तो अब क्वेश्चन में आपको बताता हूं सर्कल से, ठीक है सर्कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए दोस्तों शेयर जरूर कर देना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है रिस्पेक्ट करना इस क्वेश्चन की क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए O is the center of a circle of radius 5 cm. ठीक है O is the center of a circle of radius 5 cm. इसका आपको फिगर दिया रहेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, क्लियर है। देखिए बहुत आराम से करना इस क्वेश्चन को, O is the center of a circle of radius जो भी है, ठीक है जो भी दिया है हमें इससे मतलब नहीं है, अभी 4 सेंटर या 5 सेंटर जो भी दे रखा है। T is a point such that OT is equal to 13. T एक पॉइंट है, चलिए कहीं भी यहां लिख, इसने यहां दे रखा है T एक पॉइंट है, ये आपका टेंजेंट बन रहा है, ऑलराइट क्या बन रहा है टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ये टेंजेंट है हमारा। ठीक है अब देखिए T एक पॉइंट है सच दैट की, इसने कह रखा सच दैट की OT की एक वैल्यू दे रखी है यहां पर, कि इनने गिवन दे रखा कि OT कितना है यहां पर 13 सेंटीमीटर का, ध्यान देना आप लोग, इन्होंने दे रखा कि OT की जो लाइन है, OT जो भी है हमारी लेंथ जो है उसकी 13 सेंटीमीटर है, एंड OT इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, देखो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पर, कर लिया। अब देखेंगे यहां से ध्यान देना आप लोग, टू द सर्कल एट E इफ AB इज टेंजेंट टू द सर्कल, अब AB इज टेंजेंट टू द सर्कल जो कि कहां पर मिल रहा है, E पर मिल रहा है ये बोला गया है, AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट E, ये लीजिए ये हो गया A और ये हो गया B, क्लियर है यहां तक। अब इनके जरा ये देखिए, ये ध्यान सुनना, ये हो गया हमारे रेडियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल में ना, पूरे सर्कल के अंदर रेडियस और टेंजेंट्स का सबसे ज्यादा रोल है, इसका आप ध्यान देना। सो इन बातों को आप मत भूलना जब भी आप सर्कल का क्वेश्चंस कर रहे हो, सो रेडियस क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में, यस सर्कल में रेडियस तो होता ही है, कुछ ना कुछ उसका यूज हम कर सकते हैं। दूसरी चीज टेंजेंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, टेंजेंट का यूज भी हम कर सकते हैं करके, सो पी एंड क्यू, इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा आराम से समझें, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ए बी, ठीक है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ए बी, सो हमें ए बी लेंथ निकालनी है। आइए सभी लोग आइए और देखिए, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है देखिए आप लोग भी करें मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं किसका होता है जल्दी, ठीक है चलिए करिए आप लोग भी करिए इस क्वेश्चन को, कि ये देखिए रेडियस 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, ऑलराइट समझ में आया सभी लोगों को। चलिए यहां पर ध्यान दूना, आप लोगों के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब कुछ भी एक टेंजेंट है यहां से एक रेडियस अगर आ रही है सेंटर पर,
ठीक है, सेंटर से रेडियस सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर टच कर रही है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इतना तो आप सभी लोगों को पता है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया, आपको ये वाली लाइन देखिए, मैं आपको यहां पर इस तरह से अगर देखिए दिख तो रहा होगा आपको साहब, ये आपको 13 सेंटीमीटर रखा है यहां से लेकर यहां तक। आप लोग क्या करना, सबसे पहली चीज आपको फाइंड करना है ए बी। ए बी कैसे फाइंड होगा, सोचने वाली बात है अभी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे सोचते हैं, चलिए तो ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले क्या करें, इन ट्राइंगल ओ पी टी, इस ओपी ट्राइंगल में आपको दिख रहा है एंगल पी 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस। सो डायरेक्ट लगाता हूं हाइपोटेन्यूस, देखिए चलो यहां लग देता हूं, ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये निकल जाएगी, ये हमारी ये वाली साइड निकल जाएगी, मतलब टेंजेंट की लेंथ निकल जाएगी। ओटी कितना है देखिए 13 का स्क्वायर, ओपी कितना है आपका 5 का स्क्वायर, और ये हमें निकालना है। तो ये तो अब आसान है, ये हो गया 169, ये हो गया 25। सो 169 माइनस 25 कितना होगा 144। और अगर ट्रायंगल का ट्रिपलेट आपको याद हो, किसी ट्रायंगल का अगर हाईएस्ट साइड, हाईएस्ट मतलब अगर 90 डिग्री का अगर राइट एंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो वहां पर एक ट्रिपलेट होता है, यूज होते हैं 5, 5, 12, 13 करके, ऐसे 3, 4, 5 करके। ध्यान देना पड़ता है ये कि ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूस, लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस, तब जाके अप्लाई होता है 3, 4, 5 ऐसे 7, 24 एंड 25। ये आपको टर्म 1 में मैंने पढ़ाया था, चलिए अभी को इतना यूज नहीं है। 9 ये हो गया 144, और यहां से देखना है टीपी स्क्वायर, सो टीपी कितना निकल गया, अंडर रूट ऑफ 144 कितना होता है 12 सेंटीमीटर, इसका अंडर रूट करा मैं, टीपी इज़ इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा तो 12 सेंटीमीटर लिख दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना आपसे आपको समझ में आ गया होगा। अब टीपी कितना है 12 है, टीपी 12 होगा तो टी क्यू भी 12 होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन टू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। टीपी 12 आ चुका है, ठीक है, टीपी 12 आ चुका है, ये टीपी की कितनी वैल्यू आ गई है 12 आ गई है। सभी लोग ध्यान से सुनना अब एक चीज, मेरी बात सभी लोग सुनना यहां पर, ठीक है। देखिए अगर आपको ना ये निकालना है तो उसके लिए पहले ए ई फाइंड, अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी तो पहले ए ई फाइंड करना होगा, क्लियर है, अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी तो ए ई। अब ए ई फाइंड करने के लिए ध्यान सुनना एक चीज और, यहां भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है ए ई टी, ट्रायंगल तो बन रहा है, ये तो अच्छी बात है, हमें भी पता है आपको भी पता है ट्रायंगल बन रहा है, चलो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल तो बन रहा है, बट अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता तो हाइपोटेन्यूस लगा देते, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जरा देखते हैं। देखिए ये ओ ई, ओ ई और ये टेंजेंट, देखिए यहां पर इस तरीके से ये 90 डिग्री नहीं होता है क्या, बताइए ये 90 डिग्री तो होगा, टेंजेंट वही सेम प्रॉपर्टी इस वाले के लिए, टेंजेंट ड्रॉन टू एन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब ये 90 तो ये वाला भी 90, ध्यान देना मेरे मार्कर पर सभी लोग, ये वाला भी 90, ये वाला, क्योंकि ये 90 तो लीनियर पेयर से तो ये भी 90 हो जाएगा। चलिए इतना नहीं लिखना, आपको पता चल गया होगा आपको कि ये भी क्या हो गया 90। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल ए EAETV लगाएं, अगर हम AET ट्रायंगल लगाएं तो उसमें हमें पहले ये साइड तो पता लगे और ये पता लग जाए। अब देखिए ET कैसे पता लगेगा, ET के बारे में सोचिए, पूरा O से लेकर T तक कितना है 13 है, इस 13 में से ये 5, ये देखिए ये 5 हर जगह से होगा, रेडियस है ना ये 5, इस पूरे 13 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। सो इसका मतलब डायरेक्ट लिखता हूं 13 माइनस 5, जो कि कितना होता है आपका, कितना होगा बताइए 8। सो ये आ गया आपका कितना, ईटी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो क्या, मान लीजिए देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना यहां पर मैं क्या करा रहा हूं आपको, ठीक है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक पीटी दिख रहा है, पीटी डिस्टेंस दिख रही है, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस है, सभी लोग ध्यान से सुनना, मान लीजिए एपी कितनी है एक्स है, इस 12 में से पूरी ये एपी अगर एक्स है तो ये बची हुई कितनी होगी, सभी लोग ध्यान देना कौन सी बची हुई की बात कर रहा हूं, ये वाली, सो ये बची हुई होगी 12 माइनस एक्स, समझे आप लोग, देखिए ये पूरी, ये इतनी पूरी 12 है, इसमें से अगर इतनी मैंने अज्यूम कर ली, लेट
लेट पी ए इज इक्वल टू या फिर ए पी इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से ए टी कितना हो जाएगा, आप क्या करेंगे पूरे 12 में से इस x को जब माइनस कर देंगे तो यही साइड तो बचेगी, सो 12 माइनस x, इस बात का आप ध्यान देना। अब ए पी एंड ध्यान सुनना, ए पी इज इक्वल टू ए ई भी तो होगा, यहां देखिए ये सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट A, ये A क्या है आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ होते हैं सेम सर्कल पर तो वो क्या हो जाता है इक्वल, सो ए इज इक्वल टू ए पी, ए इज इक्वल टू ए पी, अगर ए पी एक्स है तो ए ई भी तो एक्स होगा। यहां पर प्रॉपर्टी लिखे ना आप लोग, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, चलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, यहां पर आप खुद लिखना, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। टेंजेंट्स ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये आपकी थ्योरम भी है। चलिए मैं यहां पर नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर लिख लेना, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो दो टेंजेंट्स है, एपी इज इक्वल टू ए, अब ये एक्स तो ये भी एक्स, इसका मतलब ए ई भी कितना यहां से एक्स। अब आप लगा लीजिए क्या इन ट्राइंगल ए ई टी, अब AT में 90 सामने वाला हाइपोटेन्यूस, सो फटाफट लगाता हूं यहां पर डायरेक्ट 12 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए आप लोग। ये कितना है ET, देखिए ET स्क्वायर लिखेंगे, ET स्क्वायर कितना है, ET कितना है देखिए 8, सो 8 का स्क्वायर के साथ प्लस कर लेंगे x के स्क्वायर को। यहां तक क्लियर है सबको, a माइनस b का होल स्क्वायर 12 स्क्वायर 144, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी 12 to 24 और x, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैसे कटा, प्रोडक्ट से नहीं कटा, कैसे कटा, प्लस माइनस होके, माइनस होके कटा क्योंकि यहां गया तो माइनस होके कट गया। इसको यहां भेज दीजिए कितना आएगा, देखिए 440 14 32 11 10 9 8, सो ये आ गया आपका 80, इसको वहां भेज दीजिए 24x। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सो 80 अपॉन 24 ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए 4 1 4 2 8 4 6 24 and 2 1 2 2 3 6, सो 10 अपॉन 3 क्या आ गया ए ई। अगर सेम चीज इस साइड होगी, सेम चीज इस साइड है, सारी चीजें देखिए यहां भी तो सेम वैसा ही तो है, ये भी 12 फिर ये भी x, ये भी 12 माइनस x, ठीक है, फिर ऐसे करके सेम, तो ये ई बी भी कितना हो जाएगा आपका, ई बी भी कितना हो जाएगा, यहां से देखिए x निकाल दिया आपने 10/3, देखिए ये x निकल गया 10/3, तो हमें पता है x क्या है एपी, x क्या है एपी है ना, x क्या है आपकी एपी है, x एपी है, तो ये निकल गया, तो ए भी कितना, ए क्या है, तो ए भी x हो गया, तो ए की जगह पे कितना आ गया 10/3, सो इसका मतलब ए कितना आ गया आपका 10/3। और सिमिलरली आप लोग लिख लेना कि बी ई भी कितना आ जाएगा 10/3, ऑल राइट, समझ गए आप लोग, सिमिलरली बी इज इक्वल 10/3। अब आपको ए बी निकालना, तो ए बी किससे मिलके बन रहा है, ए ई और ई बी से मिलके बन रहा है, तो फटाफट निकाल लेना, सो ए बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं 10/3 + 10/3 विच इज इक्वल टू 20/3, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया सभी लोगों को, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको तैयार करके चले जाना सभी लोग। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, चलिए सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। अब हम ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आ गया, ठीक है, एक बार वीडियो चेक करते हैं आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज क्लियर, जल्दी से हम देखिए आज काफ़ी अच्छा स्पीड में पढ़ रहे हैं और अच्छा भी पढ़ रहे हैं। चलिए सो यहाँ पर देखें जरा क्या है क्वेश्चन, एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, एक एरोप्लेन है जो कि 1200 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, 1200 मीटर हाइट पर है नीचे से ग्राउंड से, फाइंड दैट, उसने फाइंड किया कि दो शिप्स है सेलिंग टूवर्ड्स, मतलब समुद्र के ऊपर चल रहा हो, ऊपर चल रहा हो, मतलब चल रहा होगा, उड़ रहा होगा, उसने देखा कि उसकी तरफ को दो शिप आ रहे हैं सेम डायरेक्शन पर, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, लो एक हेलीकॉप्टर बना लो, इस तरह से प्लेन बना लो, ये तो शार्क बन गई, चलिए जो भी है, सपोज ये प्लेन है, अब प्लेन ध्यान से सुनना, ये सी लेवल होगा क्योंकि
अब शिप आ रही है तो कहां जमीन में थोड़ा चलेंगी, पानी में तो चलेंगी। इसने क्या करा ना, इसने ऑब्जर्व किया किसको, दो शिप्स को जो कि सेम डायरेक्शन में आ रही है, इसकी तरफ को, इसकी तरफ को आ रही है। मतलब किसी इंस्टेंट टाइम पर हुआ होगी बात। आप कहेंगे प्लेन भी चल रहा है, फिर प्लेन भी तो उड़ ही रहा है और साथ साथ शिप भी चली रही है, कौन सा टाइम ले हम, एक इंस्टेंट टाइम मतलब कुछ सड़ के ले, जैसे पांच सेकेंड, एक सेकेंड में क्या हुआ होगा उस तरीके का। मतलब उसने देखा, ही फाउंड दैट यहां देखिए दो शिप्स हैं, इसको S1, ये दो शिप्स हैं, मान लीजिए मैं से लेता हूं, एक S1 शिप है, एक S2 शिप है, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, ये कहां को जा रही है, इसकी तरफ को जा रही है, ये इसकी तरफ को जा रही है, इसमें ऐसा लिखा है सेम डायरेक्शन में, टूवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एरोप्लेन। मैंने क्या कहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता, हमेशा ऊंचाई से, ऊंचाई से किसी चीज को नीचे की ऊंचाई से अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं हम लोग तो वहां क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एरोप्लेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी बहुत जरूरी है। अब इसने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि एक शिप, तो एक शिप को कैसे ऑब्जर्व किया, देखिए इसने यहां पहले यहां को है, किसी ने देखा होगा मान लो तो ऐसे देखा होगा, ऐसे अपने नजर को ऐसे करके झुकाई होगी, अपने हेड को जो उसने ऐसे टर्न किया होगा, तो इसका मतलब उसने ये क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगली बार फिर दूसरी शिप को भी देखा उसने साथ साथ, ठीक है, ये देखा दूसरी शिप, दूसरी शिप को देख लिया। अब हाइट, पहले तो हाइट देख लीजिए कितनी है, 1200 मीटर है। चलिए अब देखिए उसने ऑब्जर्व किया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द शिप्स आर ऑब्जर्व टू बी ऑफ एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट अगेन मैं आपको पांचवी बार बता रहा हूँ या फिर फोर्थ टाइम्स बता रहा हूँ कि 60 और 30 डिग्री को कहां पर प्लेस करना है हमें, ठीक है। सो कहां प्लेस करना है, 90 देखिए आप लोग, ये है क्लोजर टू 90, विच ऑफ द एंगल इज क्लोजर टू 90, यहां पर कौन सा एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री में से, विच इज क्लोजर 60 डिग्री। सो 60 डिग्री पहले आएगा, 30 डिग्री बाद में आएगा, इसका आपको अच्छे से मैंने पहले भी बता रखा है। चलिए अगर आपको नेम लेने हैं इनके वर्टिसेस का, ए बी सी डी लेने, सी डी। अब ध्यान सुनना, आपसे पूछा गया है कि दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इट मींस यू हैव टू फाइंड दिस डीसी डिस्टेंस, यहां पर आपको फाइंड करना है डीसी कितना होगा। अब देखिए एक काम करते हैं, दो दो वैल्यूज हैं ऐसी। चलिए सबसे पहली चीज यहां पर सभी लोग ध्यान दें, सबसे पहले यहां ध्यान लें, अगर मैं यहां पर देखिए, अब दो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अब देखिए ये कैसा आया, इस तरीके से, मतलब देखिए यहां से यहां ये 60, ये कितना बना, ये वाला 30 डिग्री बना, और ये बड़ा वाला कितना बना आपका, ये बड़ा वाला बना आपका 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि सेम लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो अल्टरनेट एंगल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू, ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये जितना होगा कितना है 30 है, ठीक है, मैं उसको अंदर लिखता हूं, ये कितना है आपका 30 है, देखिए ये 30 तो ये भी 30। क्लियर है इतना सबको। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से आइए, फिर दो क्वेश्चन और रह गए हमारे, जल्दी से देखिए। सबसे पहले एक काम करेंगे, देखिए मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है एक्स, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने वाला हूं इसको, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये लिखना चाहे लिखना, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, सीधे लगाएंगे टेन 60। सो टेन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन बेस कितना आपका एक्स, एंड टेन 60 कितना हो गया रूट थ्री हो गया। क्लियर है, टेन 60 कितना हो गया रूट थ्री हो गया। सो ये हो गया रूट थ्री, और ये वहां चले जाएगा तो एक्स, ये हो गया 1200। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, यहां ध्यान देना, x इज इक्वल टू 1200 अपॉन अंडर रूट थ्री, रेशनलाइज करिए, दो बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए अंडर रूट थ्री को। चलिए सो ये कितना आ गया, देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, और 3 फोर 12, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 400 अंडर रूट 3 आ जाएगा। जब आपको निकालनी ही सी डी है, इसका मतलब सी डी कैसे निकलेगा बताइए, मुझे खुद बताइए, ये CD डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, अगर आप 30 डिग्री का ट्रायंगल लेंगे उसमें ये वाली साइड दिख रही है आपको BD, तो जब आप BD में से माइनस करेंगे CB को, इस पूरे BD में से, इस पूरे BD में से ये वाला हिस्से को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, D एंड C बचेगा,
क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है यहाँ पर? इस पूरे बीडी में से इस बीसी को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा। तो कुछ मत करिए ना आप लोग, फिर से लगा लीजिए। देखिए ये छोड़ दीजिए, S1 S2 कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए आप, इस पूरे को Y मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और आसान हो जाएगा। पूरे BD डिस्टेंस को पूरी Y मान लीजिए, क्योंकि ट्राइंगल में यही साइड आने वाली है अभी। हाँ ठीक है, यही साइड आने वाली है। अब राइट एंगल में ही ये रूल लगता है, आपको पता है। ये नहीं कि आपने ये ट्राइंगल ले लिया और रूल लगा दिया अपने मन से कुछ भी, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप लोग, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, ए बी डी लगाए और देखिए फटाफट से कर लें इसको, अब कैसे होगा जल्दी देखिए। चलिए यहां देखते हैं, फिर वही टेन थर्टी की बारी आ गई इस बार। टेन थर्टी इज इक्वल टू 1200 अपॉन कितना, यहां देखिए y। अब ये होता है 1 बाय अंडर रूट 3, ठीक है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 और ये हो गया 1200 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1200 अंडर रूट 3। मतलब अब आप y में से जब x माइनस कर देंगे तो आपको dc मिल जाएगा। इसका मतलब सीधे dc इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस x, ठीक है। dc सॉरी DC, ये DC फाइंड करना है तो उस पूरे DB में से, मतलब BD माइनस BC, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग। अभी आपने क्योंकि BD और BC को X और Y ले रखे हैं, BD को Y ले रखा, BC को X ले रखा, सो BD माइनस BC। अब सीधे फटाफट लिख दीजिए Y माइनस X, एंड Y कितना है 1200 अंडर रूट 3, X कितना है आपका 400 अंडर रूट 3। जब उसको आप माइनस करेंगे ये आएगा 1200 अंडर रूट 3 और ये आएगा 400 अंडर रूट 3। इसको आप माइनस करके क्या लिखेंगे इसका आंसर, 800 अंडर रूट 3। अब रूट 3 की वैल्यू आप लोग पुट करिए इसमें, ठीक है, 13 समथिंग आएगा। अंडर रूट 3 की वैल्यू सभी लोग पुट करना और आंसर निकालना 1.732। इसको इससे मल्टीप्लाई करके सभी लोग आंसर मुझे बताएं कितना आएगा। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, बताइए मुझे इसका आंसर कितना आएगा सभी लोग। चलिए क्लियर है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना भी अगर आपने छोड़ दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे लास्ट, यहाँ पर सॉरी लास्ट नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमें ये निकालना था तो हमने पूरे डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दिया। चलिए ये एंगुलर डिप्रेशन देखिए बना, ऐसे ऊपर से किस चीज को देखा, फिर यहां से बना 30 डिग्री का, और ये एंगुलर डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए तो चलिए दोस्तों, यहां पर अब जो आपका क्वेश्चन है वो कौन सा है, यहां पर देखिए स्टैटिस्टिक्स का। सो मतलब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे देखिए, क्योंकि यहां पर अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, सभी लोग ध्यान देना इसका, थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, अब देखिए आपके पास मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। मीन निकालने का दो फॉर्मूला है, आप किसी को भी अप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ वैल्यूज आपको गिवन दे रखी है, इसका आप ध्यान देना, वो वैल्यूज क्या है, आपको ये सारी फ्रिक्वेंसीज का सम दे रखा है और आपको मीन दे रखा है, ठीक है, सारी फ्रिक्वेंसीज का सम दे रखा है एंड साथ साथ आपको मीन भी दे रखा है। तो चलिए, तो यहां पर देखेंगे सम ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 120। इन्होंने दे रखा कि सिग्मा एफ आई दे रखा, इसका मतलब 120, और साथ में इन्होंने मीन भी दे रखा है। अच्छा, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, ये प्रॉब्लम करेगा,
ठीक है, दो वैल्यूज जो है आपको गिवन दे रखी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इन लोगों ने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ये सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 120, और जो हमारा यहाँ पर क्या है सिग्मा एफ आई हो गया, और एक्स बार एक्स बार कितना है मतलब मीन 50। मीन कैसे निकलता है देखिए, फॉर्मूला आपको पता ही है इस तरीके से, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा सा थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट यस आराम से करना, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको पता है मीन निकालने के लिए अगर एक्स आई मैंने लिखा है, सो व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज द मिड वैल्यूज, एक्स आई क्या होता है मिड वैल्यूज। तो सबसे पहले एक्स आई निकालिए, कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, सो 0 + 20/2 = 10। फिर देखिए 40 + 20 = 60/2 = 30। तो यहाँ देखिए एक सीक्वेंस आ रहा है, दो दो का गैप आ रहा है, 20-20 का 20-20 का गैप आ रहा है, सो 10 + 20 = 30, 30 + 20 = 50, ये 70 और ये 90, ठीक है। देखिए 10 ये आ गया ना आपका, देखिए 20-20 गैप। अब एक टर्म और लिखा है, जब मैंने एफ आई और एक्स आई लिखा रखा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ गया 170। देखिए 30 में से किसी कांस्टेंट टर्म में से, अभी एक हमारे पास F1 जो एक वेरिएबल की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट है, तो 30 × F1 = 30F1, ठीक है। आपको ये दो चीज फाइंड करनी है इसमें, ये और ये। अब देखिए ये कितना आएगा, 5 × 10 = 0 × 16, ये 1600 आ गया। ये कितना आएगा 70F2, और ये कितना आ गया देखिए 99 × 171, और एक जीरो आ गया, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को, चलिए। तो यहां पर देखेंगे आप लोग कि अब आपको क्या करना है, ये चीज एक चीज गिवन दे रखी है, इन सबकी सिग्मा एफ आई टोटल दे रखा है, लेकिन अभी यहां पर आप लोग देखना, ये सब लोग ऐड तो हो सकते हैं, लेकिन ये और ये ऐड नहीं पाएंगे, तो यहां पर ध्यान देना आप लोग क्या कर सकते हैं। आप देखिए अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कॉन्स्टेंट वाले ऐड करिए, 9 + 2 = 11, और ये कितना आया 7 + 8 = 18, 8 और ये 1 2 3 4 5 6, सो 68 + F1 + S2, ये भी तो ऐड होंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, और आपको दे ही रखा कि इन सबका एडिशन कितना है 68 है, मतलब 120 है। तो सिग्मा एफ आई आपको 120 दे रखा, तो सिग्मा एफ आई क्या है आपका, ये है पूरा, ये किसके बराबर होगा 120 के बराबर, इसको आप वहां ले जाइए, तो ये आ जाएगा F1 + F2 = ये देखिए कितना आ गया, हाँ 52 आ गया। ये एक इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, इसका आप ध्यान देना। अब F1 + F2 = 52 आ गया है। अब देखिए अब क्या करते हैं आप लोग, इसको भी तो सम करते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब जितने भी एफ आई एक्स आई उनको ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये आ गया 1600, यहां से ऐड करें आप लोग, और 1710 ऐड कर लें, और 1600 हो गया, उसके साथ साथ 1710 1600 एंड 170, ये 0, ये 8, ये आ गया 7 + 1 = 8 4 1 3 4 8 0। अब इसके साथ साथ और भी तो प्लस होंगे, वो कौन है, ये 30F1 and 70F2, ये सब प्लस होगा, क्लियर है सबको। चलिए तो ये देखिए इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है, 3 4 8 0 3 4 8 0 3 4 8 0, ठीक है, यहां लिखते हैं 3 4 8 0। इसके साथ क्या प्लस हो गया, दो चीज, 30F1 + 70F2। अब आप लोग ध्यान लगाना यहां पर एक चीज, ये देखिए मीन का सीधे फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स मीन, ये मीन, और यही आपको 50 दे रखा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ये पूरा क्या दे रखा है आपको, ये क्या निकला आपका अभी, सिग्मा एफ आई और एक्स आई तो निकला, तो मीन का फॉर्मूला लिख लीजिए। सो यहां पर इसको पुट करना, सेकेंड इक्वेशन नहीं, आप सी डायरेक्ट देखिए मीन के फॉर्मूले में, देखिए मीन कितना है आपके पास 50, सो यहां पर देखिए 50 = सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, ये है पूरा, तो पूरा लिखिए 3 4 8 0 + 30F1 + 70F2। अब देखिए अपॉन में क्या है, सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई टोटल दे रखा ना, तो टोटल सिग्मा एफ आई दे तो रखा, ठीक है, टोटल सिग्मा एफ आई कितना है 120 है, तो सिग्मा एफ आई लिख लीजिए 120, ये रख लिया, इसको यहां प्लेस कीजिए 1260, ये जाएगा 6000, और ये आ गया 3 4 8 0 के साथ 30F1 + 70F2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान देना इस पर, ठीक है। अब माइनस कर लीजिए, देखिए
3, 4, 8, 0. ये देखिए 0, ये 2, 5, 1. कितना आ गया देखिए, नहीं सॉरी 10 में 2 9, 8, 7, 6, 5, यहाँ 5 5 4 3 2 5 2 0. सो ये आ गया 30 F1 plus 70 F2 is equal to 2520. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं आपको यहीं पर एक चीज बताता हूँ क्या करना आप लोग, आपके पास देखिए एक इक्वेशन और है ये वाली, तो इसको आप लोग क्या करें इसी के साथ लिख लें यहाँ पर एक स्टेप में और इसको दोबारा से लिखना, मैं यहीं पर ही आपको करा देता हूँ ठीक है। ये देखिए बन गई इक्वेशन, अब आप पहले ये लिखना दोबारा से, टाइम वेस्ट होगा करके मैं नहीं बता रहा हूं आपको, चलिए लिख ही देते हैं कोई बात नहीं, 2520 इक्वेट करिए ठीक है, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट करिए। तो यहां पर देखिए ये F1 plus F2 is equal to 52। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था और आप लोगों को ही पता होगा, हमने टर्म वन में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड किस नहीं होता है। अगर आपको देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखी है ठीक है, ये दो इक्वेशंस दे रखी है आपको, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चल ये आ गया यहाँ पर, अब इसका यूज आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी एक, ध्यान सुनना, किसी भी एक वेरिएबल जो दिख रहा है आपको ये, इनके कॉफिशियंट को सेम करना पड़ता है किसी के भी। सो मैं इसके वेरिएबल के कॉफिशियंट को सेम कर लेता हूँ, तो F1 के कॉफिशियंट को सेम करने के लिए मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो इसको 30 से का मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान देना, ये तो पता है 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा देखिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर 30 F1 और ये आ जाएगा 30 का F2, और जब इसको आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप नीचे लिखेंगे ठीक है अलग से, मैं यहाँ पर आपको यहीं पर करा दे रहा हूँ 3 2 6 1 5 6 0, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1560। ये मैंने आपको बता दिया है ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 30 से मल्टीप्लाई किया है, इसका आप ध्यान देंगे ठीक है। तो वीडियो में प्लीज भी आप सभी लोग कंटिन्यूटी बनाए रखना, अगर आप पॉज कर दिए आपने कुछ टाइम के लिए कहीं चले गए तो आपको ये नहीं समझना आएगा कैसे लिखा है, तो ध्यान देना क्लास में पूरा ठीक है। अब देखिए ये प्लस इसको देखकर साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया, अगेन इसको देखकर साइंस अपोजिट करते हैं क्योंकि हमें माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो 70 ये आ गया 40 F2, अब ये भी प्लस तो ये माइनस, यहाँ देखिए कितना आया ये 0 12 11, ये आ गया 6 ठीक है, ये आ गया 14 13 12 11 14 13 12 11 10 9, सो आ गया 960। सो 0 से 0 कैंसिल एंड F2 की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 24 आ गई, 4 2 8 9 8 1 4 4 16, सो F2 24 आ गया, F1 कितना आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू 52 माइनस 24, ये कितना आ गया 12 9 8, सो ये आ गया 28। बस ये था हमारा, अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है तो ये है क्वेश्चन आएगा, इसका आप ध्यान देना। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टे इन द क्लास प्लीज ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आपका बसता है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो दोबारा देख लेना आप लोग, चलिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप ध्यान देना ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और शेयर जरूर करना इस क्लास को अपने दोस्तों को क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्लास आपकी एक प्रैक्टिस क्लास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इससे हेल्प मिलेगी टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, इस पर सभी लोग यहाँ पर ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमाउंटेड। देखिए फ्रेंड, सरमाउंट का मतलब ध्यान से ना, सरमाउंट मतलब सर के ऊपर, इस तरीके से आप समझिए इसको ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में समझिए, हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि हाँ सरमाउंटेड मतलब, सरमाउंटेड मतलब किसी के ऊपर, सर के ऊपर इस तरीके से ठीक है, सर मतलब ऊपर, इस तरीके से आप समझिए। तो ध्यान सुनना, एक क्यूबॉइकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, से सरमाउंट है मतलब एक ऐसा सॉलिड है क्यूब जिसके ऊपर कौन है, हेमिस्फीयर है। तो फटाफट आप डायग्राम बना लीजिए, सबसे पहले ये आप डायग्राम बनाए इसका, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्योंकि यहां पर 3 मार्क्स के अंदर ही पूछ सकता है आपसे ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जरा उसके बारे में सुन लें। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब सरमाउंटेड है मतलब ये सरमाउंटेड है किसी के,
ये सरमाउंटेड है किससे? हेमिस्फेयर से, मतलब इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर कौन है? हेमिस्फेयर है। इसके सर के ऊपर कौन है? हेमिस्फेयर है। अब देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों, हेमिस्फेयर को प्लेस करना है हमें। अब वो कह रहा है हेमिस्फेयर को इस तरीके से प्लेस करें कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर वहां से मिल सके हमें, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से प्लेस करें इस हेमिस्फेयर को, इस ब्लॉक क्यूब के ऊपर, कि हमें उस हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर मिल जाए। अब ग्रेटेस्ट डायमीटर मतलब ये है कि आप हेमिस्फेयर को तो कैसे भी प्लेस कर सकते हैं लो, मतलब मैंने कहा अगर प्लेस करना है, रखना ही है तो बस रख दो ना, अभी आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर भूल जाओ, अगर रखना है तो रख लो। लो मैं कहती आप ऐसे रख लो, ये थोड़ा सा और बड़ा करके रख लो, ठीक है। चलिए अब डायमीटर ग्रेटेस्ट कैसे हो? अब देखिए रखना भी कैसे है, इस तरीके से रखना होगा कि यार क्यूब के बाहर नहीं जाना चाहिए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को क्यूब, हेमिस्फेयर, हाँ हेमिस्फेयर को जो भी है क्यूब से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कैसे रख सकते हैं? एक काम करना ना, साइड के अलावा रख दीजिए, क्योंकि हेमिस्फेयर का एक कॉर्नर ऐसे और अगला कॉर्नर ऐसे, ये दोनों अगर देखिए इससे बाहर आप नहीं रख सकते, इससे बाहर नहीं रह सकते ना, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो यहां पर आप लोग क्या देखेंगे कि मैंने क्या किया, अगर ग्रेटेस्ट डायमीटर चाहिए तो मैंने दो क्यूब के दोनों एजेस के अलोंग उसको रख दिया, मैं दोनों एज के ऊपर प्लेस कर दिया, ये वाली एज और ये वाली एज, इसके ऊपर यहां से ऐसे करके हमने क्या कर दिया, एक हेमिस्फेयर प्लेस कर दिया, मतलब हेमिस्फेयर प्लेस कर दिया। तो यहां पर डायमीटर कौन बन गई? अब देखिए हेमिस्फेयर का डायमीटर वही बन गया जो क्यूब की साइड है। सो इसका मतलब अगर आपसे हेमिस्फेयर का डायमीटर पूछा हो, सो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर यही हो सकता है अगर इसके ऊपर प्लेस किया हो तो। सो हेमिस्फेयर डायमीटर कितना बन गया? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया कि 7 सेंटीमीटर, और ये क्यूब है तो ये सबकी सब सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसकी आपको पता है, ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। अब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी सरफेस एरिया पूछता है, अभी दो ब्लॉक्स हैं, अभी दो सॉलिड्स हैं हमारे पास, दो सॉलिड्स हैं, अगर इनके हमें सरफेस एरिया निकालना हो और ये एक के ऊपर एक हो तो मुझे बताइए, आप लोग जरा ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास देख मान लीजिए दो सॉलिड्स हैं, मैंने मान लीजिए मेरे पास दो सॉलिड्स हैं, एक सॉलिड मेरा ये राइट हैंड, एक सॉलिड मेरा ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। अगर इसको मैंने ऐसे दोनों को इस तरह से प्लेस करता हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड को क्या करता हूं राइट हैंड के ऊपर रख देता हूं इस तरीके से। अब आप इस हाथ के कौन, अभी किसी से स्टूडेंट से कहूं कि इसको छू के दिखाइए, इसके कौन कौन से सरफेस को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मुझे आप खुद बताइए कौन सा प्लेस, कौन सा आप लोग यहां पर इसको टच कर सकते हैं मेरे हाथ को, इतने हिस्से को, यहां से लेकर ये वाले हिस्से को, कौन कौन से हिस्से को आप जो है टच कर सकते हैं, एक ये वाला छू सकते हैं मतलब फील कर सकते हैं, एक ये वाला, क्या आप ये वाले हिस्से को फील कर सकते हैं? नहीं, मतलब टच कर सकते हैं अगर मैंने हाथ ऐसे रखा हो तो, नहीं कर सकते। तो कैसे ये सरफेस एरिया आप लेंगे? नहीं ले सकते ये सरफेस एरिया, नहीं ले सकते ये वाला सरफेस एरिया, इसको हटाना पड़ेगा, हटाना तो पड़ेगा, तो हटाइए, आइए हटाते हैं इसको। मतलब ये पूरे जो यहां पर सरफेस एरिया है ना इसका, जितने भी दोनों सॉलिड्स का, उसमें से आप ये वाला जो है माइनस कर लीजिए, जो कि क्या है, एक सर्कल बन रहा है। तो अगर आप इसको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए टोटल सरफेस ऑफ क्यूब में से पहले आप प्लस कर लीजिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर को, देन आप क्या करें मैं बताता हूं आपको। जब आपने इस, देखिए आपने क्या किया ना, बताओ सिंपल, आपने क्या किया, आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को प्लस कर दिया किससे, हेमिस्फेयर से, मतलब अब क्यूब का तो पूरा सरफेस आ गया आपके पास, आपके पास क्यूब का पूरा सरफेस आ गया, मतलब ये वाला सरफेस भी आ गया, लेकिन ये सरफेस तो आपको हटानी है। तो इस सरफेस को हटाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताएं आप सभी लोग क्या करेंगे, बताइए आप लोग डायरेक्ट यहां पर देखिए, इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से सीधे क्या कर लें, माइनस कर लें किसको, ये वाले सरफेस को, जो कि क्या है, एक सर्कल बन रहा है। तो या तो ऐसे कर लीजिए, फिर उसके साथ प्लस कर लीजिए CSA को, या फिर दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, देन यहां पर लिख लीजिए एरिया ऑफ बेस, लिख लीजिए किसका, बेस ऑफ हेमिस्फेयर का, वेरी गुड, जो कि क्या बन रहा है, सर्कल। अब CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², क्योंकि ये क्या होता है, स्फीयर का आधा होता है, ठीक है। चलिए सो ये हो गया 6a², तो यहां पर 6 ये मैं निकालता हूं, a कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये ऐसे निकलेगा, देखिए देन प्लस 2
पाई आर स्क्वायर, उसके बाद क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर होगा, चलिए फिर माइनस पाई आर स्क्वायर भी करना है। क्लियर है? अब देखिए काम करिए, छोटा सा सिंपल कर लेते हैं इसको। यहां देखिए ये आ गया 7 7 49 इंटू 6, 6 9 54 का 4, 5 है कैरी 624, 294। सो 294 कर लीजिए। और एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस ही करना है तो हम वैल्यूज क्यों रखें जब रेडियस हमारे पास सेम है, सब कुछ रेडियस एक ही तो है दोनों में। तो आप क्या कर लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर आ गया सिंपल। अब आप प्लस कर लीजिए, 294 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, डायमीटर जब 7 था तो रेडियस कितनी जाएगी, 7/2 जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा ही होता है। तो 7/2 इंटू 7/2, 7 1 7 2, ठीक है, ये कितना आ गया, देखिए 11 7 77। सो 294 में से आप लोग ये 77 अपॉन 2 को जरा सॉल्व कर लें, 2 8 6 38.5। अब फटाफट से इसको प्लस कर लीजिए और आपका आंसर आ गया। और आप आज की आपकी थर्ड क्लास भी कंप्लीट होती है सक्सेसफुली, शेयर जरूर करना 5 2 1 3 1 3। सो ये आ गया आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया की बात हो रही है। आई होप कि ये वीडियो, ये लेक्चर, ये क्लास आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे आप लोग जितने भी पार्ट हैं उनको स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना, ठीक है। अभी 2-3 ही दिन हो रहे हैं, अगर आप बीच में से शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, वर्डन पड़ेगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं। तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स दीजिए इसको और खत्म करिए बिल्कुल 60 डेज के अंदर, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लास में एंटर करिए और स्टार्ट हो जाइए पढ़ना, ठीक है। पढ़ने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और शाम के 6 बजे, ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लें। चलिए अब इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल सेम यही इसी तरीके का, जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है यही क्लास आपकी चलेगी, अगेन वही प्रोसेस, 6 क्वेश्चन 6 चैप्टर्स। आप लोग बस क्या करें, इस क्लास को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जितने अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर जरूर करें, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना ऑल पर सेलेक्ट करके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।